गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोगों का दूसरा हिंदी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग कल पढ़े हुए क्लास वर्क को आज फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए। ये है अ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अ। अ के बाद आता है आ, ये क्या है, आ। आ के बाद आता है हर्षई, आ के बाद आता है हर्षई। उसके बाद आता है दुर्गई, हर्षई के बाद क्या आता है, दुर्गई। दुर्गई के बाद आता है हर्षऊ, हर्षऊ किसके बाद आता है, दुर्गई के बाद। हर्षऊ के बाद आता है दुर्गऊ, दुर्गऊ, दुर्गऊ के बाद आता है री, री किसके बाद आता है, दुर्गऊ के बाद। फिर री के बाद आता है ए, ये क्या है, ए। ए के बाद आता है ऐ, ये क्या है, आई। आई के बाद आता है ओ, ये क्या है, ओ। ओ के बाद आता है औ, ये क्या है, औ। औ के बाद आता है अंग, क्या है ये, अंग। अंग के बाद आता है अह, ये क्या है, अह। तो ये जो हम लोग अ से अह तक जो पढ़े, ये हिंदी वर्णमाला का स्वर वर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्वर वर्ण। इस चीज को मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था, आज एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। यह हिंदी वर्णमाला का स्वर वर्ण कहलाता है, अ से लेके अह तक। चलिए एक बार फिर हम लोग इसके विषय में बात करते हैं, अ से अह तक क्या क्या बनता है वर्ण से। अ वर्ण से बनता है अदरक, अ से बनता है अदरक, अ से बनता है अजगर, अ से बनता है अनार, आ से बनता है आम, आ से बनता है आज, आ से बनता है आठ। हर्षई से बनता है इमली, हर्षई से बनता है इत्र, हर्षई से बनता है इमरती। दुर्गई से बनता है ईख, दुर्गई से बनता है ईद, दुर्गई से बनता है ईंट। हर्षऊ से बनता है उपवन, हर्षऊ से बनता है उबटन, हर्षऊ से बनता है उल्लू। दुर्गऊ से बनता है ऊन, दुर्गऊ से बनता है ऊंट। ऋषि, ऋषे, ऋषभ, जिसको हम लोग बैल भी कहते हैं। ए से एक, ए से एरी, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐरावत। ओ से ओखली, ओ से ओस। औ से औरत, औ से औजार। अंग से अंगूर, अंग से अंग। आह, चलिए एक बार